प्रार्थना वास्ते अल्लाह के मुंह वास्ते हुजूर सरकार तो संसलन के मुंह मेरा काबा शरीफ तरफ पीछे ईमान के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं इस वक्त द्रास में हूँ और मेरे ठीक पीछे इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल है। टाइगर हिल जिस पर कब्जे के लिए सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी। ये लड़ाई कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने अपना सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को टाइगर हिल पर कब्जे के लिए दिया था। पाकिस्तान ने भी अपने दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी निशाने हैदर टाइगर हिल पर हुई लड़ाई के लिए कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान को दिए थे। लेकिन जो मैं कहानी अब आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत दिलचस्प है। कैप्टन कर्नल शेर खान और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव दोनों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार सिर्फ एक अधिकारी की सिफारिश पर दिए गए थे और वो थे ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा। टाइगर हिल पर कब्जे के लिए लगातार घमासान लड़ाइयां चल रही थी लेकिन पाकिस्तानियों की मोर्चाबंदी इतनी जबरदस्त थी कि भारतीय सैनिक भारी संख्या में हताहत हो रहे थे और टाइगर हिल पर कब्जा नहीं किया जा रहा था। दरअसल पाकिस्तानी सेना 98 की सर्दियों में ही टाइगर हिल पर जम गई थी और उन्होंने पूरी सर्दियों में अपनी मोर्चाबंदी बहुत मजबूत कर ली थी। 192 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा लगातार टाइगर हिल पर प्रगति पर नजर रखे हुए थे और वो इस बात से बहुत फिक्रमंद थे कि टाइगर हिल पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। आखिरकार उन्होंने सबसे आगे लड़ रहे सैनिकों से संपर्क किया और 8वीं सिख रेजिमेंट के सिपाही सतपाल सिंह ने उन्हें बताया कि पाकिस्तानियों को पीछे धकेल दिया जाता है लेकिन उसके बाद ट्रैक सूट पहने हुए एक पाकिस्तानी सैनिक उन सैनिकों को ललकारता हुआ जोश दिलाता हुआ आगे आता है और उसके बाद पाकिस्तानी दोबारा मजबूती से लड़ने लगते हैं। ब्रिगेडियर बाजवा समझ गए कि ये सैनिक ही पाकिस्तानी अफसर है और जब तक इस सैनिक को मारा नहीं जाएगा तब तक टाइगर हिल पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। ब्रिगेडियर बाजवा ने ऐसा ही आदेश दिया और आखिरकार सिपाही सतपाल सिंह ने केवल 10 गज की दूरी से इस पाकिस्तानी अफसर को मार गिराया जो ट्रैक सूट पहने हुए था और जिसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान था। पाकिस्तान ने अपने किसी भी सैनिक के शव को लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका दावा था कि उसका कोई भी सैनिक करगिल में नहीं लड़ रहा है। इसलिए ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना पूरे इज्जत और सम्मान के साथ यहीं दफना रही थी लेकिन ब्रिगेडियर बाजवा खास तौर पर कैप्टन कर्नल शेर खान के शव को नीचे लेकर आए और यहां से उन्होंने उस शव को दिल्ली भिजवाया। आखिरकार पाकिस्तान उस शव को लेने को राजी हो गया। ब्रिगेडियर बाजवा ने कैप्टन कर्नल शेर खान के ट्रैक सूट की जेब में अपने हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा छोड़ा जिस पर लिखा हुआ था कि इस अफसर ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी है और इसको उचित सम्मान मिलना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने एक भारतीय सैनिक अफसर की सिफारिश को माना और कैप्टन कर्नल शेर खान को निशाने हैदर मिला जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और अब तक केवल 10 लोगों को निशाने हैदर मिला है। बाद में कैप्टन कर्नल शेर खान के पिता ने भारतीय सेना को धन्यवाद का पत्र लिखा। ये भारतीय सेना की पेशेगत ईमानदारी और बहादुरी को सम्मान देने की परंपरा है। ये उस कारगिल युद्ध में हुआ था जिस कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सैनिकों को पकड़ा था, उनको यातनाएं दी थी और 20-22 दिन अपने कैद में यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की थी और उनके शव वापस भारत को सौंपे थे। लेकिन भारतीय सेना ने अपनी परंपरा का आखिरी वक्त तक निर्वाह किया। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है।
और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को न केवल रसद और हथियार मुहैया करा रही है बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को एक एक बंकर और एक एक चोटी पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध करना पड़ रहा है। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है, पर गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। दिन रात चल रही बमबारी के धमाके और इन बंकर्स का अंधेरा और घुटन, यही है एक आम जवान की जिंदगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस लड़ाई के मैदान में एक जवान का आधा वक्त अपनी गन पोजीशन पर बीतता है और बाकी का समय अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन अंधेरे बंकर्स में। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.